जय हिंद दोस्तों, मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हूँ आप लोग के सामने। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊँ। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बताने वाला हूँ, मुरली सर ने बहुत ही डेंजरस सांपों का रेस्क्यू करते हैं, यानी कि एक कुएं में 3 डॉग और 2 सांप और 3 अलग किस्म के जानवर गिरे हुए हैं, तो उनको निकालने के लिए इनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो आइए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा। यह वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए बहुत ही आनंद आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा से पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूँगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग काम भी मत करिएगा किसी सांप को पकड़ने के लिए, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों यह काम एक एक्सपर्ट की होती है सांप को पकड़ने के लिए या किसी जानवर को पकड़ने के लिए, तो आप लोग ऐसा गलती मत करिएगा किसी सांप को पकड़ने के लिए। दोस्तों बहुत ही डेंजरस है रेस्क्यू किए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिएगा। तो मैं चलता हूँ वीडियो में दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों मैं मुरली वाले हौसला सोनपुर सिटी से, ये 630 किलोमीटर की दूरी पर, ये दोस्तों जो पवन सर जमी है ये बदायूं की है, इस धारा को प्रणाम करना चाहता हूँ। ये दोस्तों बदायूं की सरजमी है, हमारे जौनपुर शहर से 630 किलोमीटर की दूरी पर। दोस्तों एक मेरा सफ़र यहाँ पर पूरा हुआ, कल शाम को आए, रात में दोस्तों यहाँ पर नाइट हॉल्ट हुआ होटल में, आज सुबह हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये खुला हुआ खेत खलिहान है, खुला मैदान है, और ऐसे में बीच में एक कुआँ है, उसी के अंदर बेजुबान गिरे हुए हैं। तो ऐसा लगता है दोस्तों अगर उनको नहीं बचाया जाएगा वो बच नहीं पाएंगे। दोस्तों आज बहुत ही हैरत अंगेज इस वीडियो में कुछ होने वाला है, प्लीज़ आप वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। तो चलते हैं, बेजुबानों को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। लंबी वारी मार रहा हूँ, आज इन तो है जो कुत्ता ये भाई कमारी है। तो सफाई होगी, क्या करना है पहले आप लोग समझ लीजिए, घास की सफाई करिए, फिर जो भी गिरा हुआ है बड़े आराम से एक एक करके निकाला जाए। दोस्तों आप ये देख के समझ सकते हैं, ये हमारे दोस्तों भारत की एक ऐसी भूमि है। भैया एक निवेदन मैंने किया, बोलना नहीं है यार, वही बता रहे हैं, फिर क्या जल्दी है, सबको बोल लेने दीजिए, सबको कूद लेने दीजिए, समझ अरे यार धक्का मारा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये बारिश का पानी जाने की वजह से ये कुएं के बगल में एक होल सा हो गया, शायद इससे पानी कुएं के अंदर जाता रहा हो। बुला ले यार, ये लोग बोलने देंगे तो हमने कैसे। छोड़ो भैया निशानी जी, कुछ मत बोलो, सिर्फ देखो। तभी तो मारे
चलिए दोस्तों एक बार फिर से चलते हैं कहीं के अंदर और मेजबानों को बचाने के लिए एक अपना प्रयास है। इसे दोस्तों आज कहते हैं मौत का कुआं। जिंदगी में दोस्तों हम इसे पहली बार ऐसा कुआं देखे हैं और अगर आप देखे हों तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक निवेदन यह है दोस्तों, इसी प्रकार से खुले कुएं ऑलरेडी हमारे भारत में बहुत से सारे हैं और जिसके अंदर आए दिन मेजबान गिरते रहते हैं। चलिए फटाफट के अंदाज पहले निकालते हैं, धीरे धीरे आने दीजिएगा। थोड़ा दूरी बनाए रखिएगा, जल्दी दीजिए और जल्दी दीजिए। ये रस्सी को ये ढीली इसको थोड़ा ढील दीजिए, ईट गिर जाएगा, ईट गिर जाएगा वाला। और थोड़ा ढीला करो, पूरा बोलो मत यार। एक पीछे लेटा टीवी में देख लियो, कितनी बार बोल दिया कि अब यार शांत रहो, चलो भैया खाओ, चलो उठाओ, धीरे धीरे उठाओ, नहीं तो गिर सकता है। बोलो मत चुप पा रही, चलो ना ऊपर कवर कर लेना। दोस्तों ये है जाना जा। दोस्तों ये तीसरा कुत्ता बाहर निकल चुका है, कहाँ है मिट्टी गिरा रहा है भाई। तो चलिए दोस्तों, काफी कड़ी मेहनत के बाद थोड़ी जद्दोजहद हुई। 8 मेजबान थे जिसमें 3 डॉगी थे, 3 कुत्ते थे बेचारे, बहुत दिन से गिरे हुए थे। दोस्तों कुत्तों का गिरना एक कौतूहल का विषय है, हालांकि आप समझदार हैं। दोस्तों ये कुत्तों के मीटिंग का दौर, जिसे हम प्रजनन समय बोल सकते हैं, हो सकता है इसके अंदर दोस्तों एक फीमेल और 2 मेल
मतलब एक मादा और दो नर कुत्ते थे, सही है ना सर? दोस्तों कभी कभी ये होता है कि मोहब्बत में कदम ऐसे लड़खड़ाए कि ये तीनों बेचारे कुएं में आ गिरे। ऐसा मंजर हमारे जिंदगी में पहली बार देखने को मिला है। अगर ये YouTube चैनल न होता, ये सोशल मीडिया न होती, तो इन बेजवानों को बचाने का जो ये मेरा सिलसिला है आप तक संदेश के रूप में कैसे पहुंचता? अगर उन्होंने इस वीडियो को देख करके हमारे हमको नहीं बुलाते तो आप बताइए इसे कौन बचाता? सर आप लोग बताइए, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो इसे आप कैसे निकालते? लगभग सबके सब मारे जाते हैं, सही है? एक लोग हाथ उठाएंगे जिन्होंने हमको वहाँ पर फोन करके बुलाया, आप के थे, हाथ उठाइए, अपना नाम पता बताइए। मेरा नाम विष्णुपाल है। हाँ, कैसे? गदगांव का रहने वाला हूँ, जिला बदायूं है मेरा। कैसे पता कि मैं सांप पकड़ता हूँ? सर मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ। थैंक यू, आप सब्सक्राइब किए हैं। यस सर। तो दोस्तों ये रहे हमारे एक सब्सक्राइबर, मैं इनका तहे दिल से इनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले इंडियन मॉनिटर लिजार्ड को। एक दोस्तों यहाँ पर है, इसे आप देख के समझ सकते हैं शायद ये दोस्तों मर चुका है, हमको ऐसा लग रहा है ये मर चुका है, हो सकता है इसे कुत्ते लोग मार दिए हों। सबसे पहले तो मुझे इसको ही निकालना है। दोस्तों अब बारी आ चुकी है इसको निकालने की। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप पापी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है, आप करेंगे कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। ये दोस्तों बहुत ही जहरीला है, दोस्तों इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। ये रात के अंधेरे में निकलता है और बहुत तेजी से बाइट करता है, कभी कभी तो दोस्तों ये बिस्तर पे भी चढ़ के नुकसान पहुंचाता है। इसकी पूरी लंबाई 1 मीटर के आसपास होती है। यह कॉमन है, पूरे भारत में हर जगह पाया जाता है। भैया प्लीज म्यूजिक बंद कर लीजिए, शांत हो जाइए। अगर मैं बाहर निकल गया, अरे तो क्या निकलेंगे? नहीं निकलेंगे ना। चलिए दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये है इंडियन रॉक पाइथन। दोस्तों ये हो चुका है इंडियन रॉक पाइथन। दोस्तों ये बहुत तेजी से लपेटता है। ये तो हालांकि जहरीला नहीं है, एक कहावत है कि अजगर करे ने चाकरी और पंछी करे ने काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये दोस्तों सबसे पहले अपने भोजन को इसी प्रकार से लपेटता है, उसके दम को तोड़ता है। पंकज भाई आप एक बार भी नहीं बोलेगा, आप लोग शांत रहिए। क्या बोले, इंसान को बोला जाता है। अच्छा वो सॉरी, इंसान तो एक बात में समझ जाता है। दोस्तों इसके मैं आपको दांत दिखाना चाहता हूँ, इसे हम पहले पैक करते हैं। चलिए थैंक यू। इस वीडियो को देख के दोस्तों आप काफी नहीं कीजिएगा, आप करेंगे तो शायद आपके साथ हादसा हो सकता है। दोस्तों इसे मैं पैक कर दिया हूँ। दोस्तों अब मैं इसको निकालता हूँ दोनों को। चलिए दोस्तों ये है, इसे आप देख के समझ सकते हैं ये भी बेचारा क्या करे, ये पूरी तरीके से दोस्तों थक चुका है। गाँव में इसको दोस्तों इंग्लिश में इंडियन मॉनिटर लिजार्ड हमारे गाँव में बोलते हैं। इसे के अंडे बच्चे को लोग बिस्खोपड़ा या बितनुआ के नाम से जानते हैं, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। चलिए इसे हम पैक करते हैं और इसे भी बाहर निकालते हैं। दोस्तों एक तो इसके अंदर मर चुका है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। भैया बैग देंगे? दे दीजिए। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको इसके अंदर डालना चाहता हूँ। ये दोस्तों एक हो गया। चलिए दोस्तों अब मैं चाहता हूँ ये भी इसके अंदर चला जाए, इससे बच जाएंगे। चलिए हो गया सर। सर बेल्ट लाइए, हाँ सबसे पहले दोस्तों मैं इन बेजबानों को बाहर निकाल दूं। चलिए सर उड़ाइए आराम आराम से सर। ये आप दोस्तों देख सकते हैं एक एक करके, क्या बात है दोस्तों, जो करने का ये अंदाज है हमारे मिस्टर कैमरामैन सतीश जिद्दी जी, जिनका मैं दिल से बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ। इनके लिए वीडियो को आप लाइक कर ही दीजिएगा, क्योंकि जब इनका दिल खुश रहता है तो आप जानते ही हैं ये क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ। दोस्तों कहीं ना कहीं इन बेजवानों को बचाने में, आपको बोलने में, आपसे रूबरू होने में, आपको नमस्ते प्रणाम करने में, आपकी कमेंट का रिप्लाई देने में, आपका फ़ोन उठाने में, थोड़ा सा विलम्ब करने में अगर मुझसे देरी होती है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सॉरी। एक बार नहीं 100 बार दोस्तों कान पकड़ करके मैं बैठ सकता हूँ, माफ़ कीजिएगा। दोस्तों एक बड़ी बात यह है कि जैसे अगर आपका फ़ोन नहीं उठता है तो प्लीज़ आप वीडियो में आप जो हमारे व्हाट्सएप पर स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी समस्या को लिख सकते हैं और आप जो भी समस्या है उसका एक फ़ोटो, जैसे इस कुएँ का फ़ोटो
प्लस एक वीडियो छोटा सा एक मिनट का बना करके आप डाल सकते हैं, करंट लोकेशन भेज सकते हैं, नाम पता भेज सकते हैं। हम व्हाट्सएप हमेशा चेक करते रहते हैं, जैसे गलती से अगर आपका फोन नहीं उठ पाया तो हम व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई देंगे और बहुत जल्द ही आपकी सेवा में हम हाजिर होंगे अपनी टीम के साथ। कमरे में मोई खाने जा रहे हो भैया, इसमें आप ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा बाहर निकलने के बाद। चलिए दोस्तों मैं बाहर निकलता हूँ, इसके अंदर इसको दफना दिया गया है, मान लीजिए ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाएगा, मालिक इसकी आत्मा को शांति दे। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं बाहर निकलता हूँ। जीवों को बचाने का जो आनंद है वो दुनिया के किसी कोने में किसी चीज में वो आनंद नहीं है। अब तो समझ लीजिए यही मेरी जिंदगी है और यही मेरी अंतिम सांस है। मैं तो चाहता हूँ कि जब भी मेरा दम निकले इन जीवों को बचाते हुए ही निकले। चलिए सर बाहर निकलिए, उठाइए इस नादान को। तो थैंक यू दोस्तों, मैं बाहर निकलता हूँ। अब आप पूरी ताकत से उठा लीजिए। हाँ थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से फटाफट के अंदाज में उन बेजवानों को रिलीज करने के लिए हम एक पावन से जंगल में आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा कुएं के अंदर इंडियन कॉमन करैत ने अजगर को बाइट किया था दोस्तों, हालांकि वो फॉल्स बाइट थी। लगभग ये 2 से 2.5-3 घंटे हो चुके हैं हम आ चुके हैं वहाँ से, काफ़ी दूर पर एक घना सा जंगल दिखा तो मैंने सोचा इसको यहीं पर रिलीज़ कर देते हैं। तो इसे आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं ये दोस्तों दोनों नर और मादा के रूप में रहे हूँ। चलिए मैं इसको फटाफट के अंदाज में रिलीज़ कर देता हूँ। चलिए ये दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी ये छोटा सा बेबी है, इसको मैं यहीं पर छोड़ूंगा। दोस्तों जो ये हमारा इंडियन रॉक पाइथन था इसकी चमड़ी बहुत मोटी थी, कॉमन करैत ने बाइट तो किया लेकिन दांत उसके पूरी तरीके से शायद धस नहीं पाए, ब्लड में टचिंग नहीं हो पाई। मोटी चमड़ी होने के कारण अजगर को कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसा कि दोस्तों हमने कैमरे में देखा तब जाकर के मुझे दिखाई दिया। दोस्तों उस वीडियो को देखकर, वो मंजर को देखकर, इस मंजर को देखकर के ऐसा फील हुआ कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न पाका कर सके चाहे जग बैरी हो। तो दोस्तों कहने का मतलब मारने वाला बचाने वाला अपना मालिक है, अपना द्वारिकाधीश है, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, या जो भी दरअसल जो आप जिसको गॉड मानते हो उनको आप समझ लीजिए दोस्तों, बगैर मालिक का तो पत्ता नहीं हिलता। इन्हीं सब बातों के साथ थैंक यू दोस्तों, जय हिंद आप सभी को और बाय बाय। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मैंने इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको दिखा दिया। दोस्तों इस वीडियो को देखने में आपको बहुत ही आनंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये चीजें आपसे बार बार कहता हूँ कि यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही डेंजरस शैंपू का रिस्क किया गया था तो आप लोग देख ही चुके होंगे। दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग काफी मत करिएगा किसी सांप को पकड़ने के लिए या किसी अन्य जानवर को पकड़ने के लिए, क्योंकि यह काम एक एक्सपर्ट की होती है। सांप को पकड़ने के लिए या किसी और जानवर को पकड़ने के लिए आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी आपको ये चीज करना चाहिए। तो दोस्तों जो वीडियो बनाने का मेरा मतलब है कि लोगों के जो अंदर का अंधविश्वास बना हुआ है वो धीरे धीरे दूर हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बाय द वे कहीं उनको सांप काट लेता है तो डॉक्टरी के जाने के बजाय वो झाड़ फूंक में चले जाते हैं और उस हालत में क्या होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, यदि किसी को सांप काट लेता है तो आप सीधे हॉस्पिटल जाइए, ना कि झाड़ फूंक के चक्कर में आप लोग मत पड़िएगा, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों यह चीज़ें आपको ध्यान में रहना चाहिए, यदि आपको सांप काट लेता है तो आप सीधे हॉस्पिटल जाइए। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही कहना था। तो चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं अगली न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।